अभी आ गए अब हम महादेव की नगरी त्र्यंबकेश्वर। और भाई यहाँ आने के बाद ना मतलब फीलिंग अलग सी आ रही है यार। अभी भाई देखो बाहर से क्या खूबसूरत लग रहा है भोलेनाथ का दरबार। भाई भीड़ देखो, लाइन कैसे लगी हुई है, एकदम तगड़ी लाइन लगी है भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दादा अगेन। और भाई लोग, देहरादून से मुंबई की रोड ट्रिप का अपना आधा पड़ा हो गया कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं मुंबई से वापस देहरादून की तरफ टूवर्ड्स नासिक। सो आज हम पहले नासिक जाएंगे। नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहाँ जाएंगे भाई। लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया है यार, बहुत बेकार लग रहा है यार सही में, क्योंकि ना आप देख रहे हो कि मैं अकेला हूँ, साथ में दादा नहीं है। बिकॉज दादा को कुछ काम आ गया, तो दादा को जाना पड़ा चंडीगढ़, तो दादा नहीं है। अभी मेरे को अकेले जाना पड़ रहा है यार। अब धन्नो लेके मुझे ही जाना है, तो दादा से मैं वापस देहरादून में मिलूंगा और फिर अगले रोड ट्रिप में दादा मेरे साथ रहेंगे। तो ये फिलहाल भाई अकेले करना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मुंबई से। होटल की पार्किंग पे हूँ अभी, पीछे धन्नो खड़ी है अपनी। 4 घंटे में अराउंड मैं पहुंच जाऊंगा। और देखते हैं यार कैसा है नासिक का त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग जो है, वहाँ का प्रोसेस क्या है, कितनी भीड़ होती है, कैसे दर्शन होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको देंगे। कैमरा तो मेरे ख्याल से वहाँ भी अंदर ले जाने दिया नहीं जाता है, बट डिटेल्स सारी आपको देंगे हम देते हुए। उसके बाद फिर आगे जो एक्सप्रेस वे है या रास्ता कौन सा ले रहे हैं वो सारा आपको बताते हुए भाई साथ साथ चलेंगे। देखो भाई ये पुराना मतलब जो नदी वाला रिवर जो पुल है ना रिवर वाला, उस पर पूरा जाम लगा हुआ है यार। पूरा जीपीएस ना रेड था अभी तक, तो अभी रेड से वो कम रेड होने पे आया है भाई। इतना गंदा जाम लगा, बाजू मेरे ख्याल से कुछ और ट्रेन का या कुछ और बन रहा है। पर क्या होता है ना, पूरा ट्रैफिक मर्ज हो रहा है यहाँ पे। जो मुंबई से नासिक की तरफ जा रहा है और जो स्ट्रेट हवे हाईवे पे आ रहा है, ट्रैफिक जम मर्ज हो रहा है इसमें, तो इस वजह से भी जाम है यहाँ पे यार। नासिक ठीक है, लेकिन ना आगे एक्सप्रेस वे मिल जाए बस, जो सपना था अपना, जो अपन ने छोड़ा था जयपुर के पास यार, वो एक्सप्रेस वे नहीं मिलेगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वो एक्सप्रेस वे चाहिए यार। देखते चलो कहाँ से मिलता है। एक काम करता हूँ, एक ना भैया है जिन्होंने मेरी गाड़ी ठीक की थी, वो आए थे कुछ दिन पहले, तो उनसे फ़ोन पर पूछता हूँ कि यार इधर से आए थे वो एक्सप्रेस वे से रूट किया है, तो वो कन्फर्म हो जाए कि नासिक से एक्सप्रेस वे चाहिए तो चाहिए भाई। वो मलाई वाली रोड कैसे मिस कर सकते हैं भाई यार। ये हाईवे तगड़ा ही रुला रहा है, मतलब कि ना अब इतनी देर से सोचो मैं 60-70 से ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ। ट्रक से पूरी पूरे ट्रक से भर के भरे वाला हाईवे, इंडस्ट्रियल हाईवे है, सिर्फ 4 लेन है, मतलब इधर दो उधर दो, तो समझ में नहीं आ रहा यार। तो मतलब अपन एक्सप्रेस वे का सपना लेके चले, लेकिन यह हो सकता है कि मैंने नासिक का भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीपीएस लगाया है, तो इस वजह से भी ये मेरे किसी दूसरे रूट से लेके जा रहा हूँ। बट मैंने मुंबई वालों से पूछा यार, तो उन्होंने बोला कि रूट तो यही है, रूट यही है, तो पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है यार। ये एक ही रूट है, अब चलते हैं क्या करें अब। मतलब कि 128 किलोमीटर और बचा हुआ है, और मेरे को बोल रहा है कि मैं 6:30 बजे के आसपास पहुँचूंगा, अभी बज रहे हैं 4, तो अब तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक थोड़ा कम होना चाहिए। अगर रोड जो खराब रोड पीछे थी वो सब चली गई होगी अब, मतलब वैसे ही रास्ता लगा यार, जैसे सूरत से अपन आ रहे थे ना, सूरत से मुंबई, तो सेम टू सेम वैसे ही रास्ता लगा यार। भाई 4:30 बज गए यार, भूख लगनी शुरू हो गई। एक ढाबा सा मिला इधर, प्योर वेज उडपी श्री कृष्णा ढाबा है। चलता आज तो अकेले ही हूँ यार, दादा भी नहीं है साथ में, तो बस जो मिलता है ऑर्डर करता हूँ यार जल्दी से, खा के फिर निकलता हूँ।
यार मतलब वही ना, इतने से दो लोग ट्रिप कर रहे थे, अब एक ही बंदा कर रहा था, अच्छा लग रहा है यार। थोड़ा एसी हॉल तो है कम से कम यहाँ बैठने के लिए। ये इसके अंदर था एक दाल तड़का कर दो, ठीक है, हल्का स्पाइसी करना, लहसुन ज्यादा डालना उसमें, लहसुन ज्यादा डालना उसमें, ठीक है। और एक तवा रोटी हो जाएगी, नहीं होगी तो एक स्टीम राइस कर दो भाई। हाथ से खाने में ना अलग ही मजा आता है यार। खाना ठीक है, बस दाल में थोड़ी नमक कम हो गई है, नमक तो पर अलग से डाल लिया है। खाना पीना तो यार हो गया, पेट भर गया भाई। खाना मतलब ठीक ठाक ही था यार, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। नमक कम था, बस नमक मैंने अलग से ले लिया था। अब आपको हर जगह अपने टाइप का खाना मिले, अब ये तो यार जरूरी नहीं है, तो एडजस्ट तो करना पड़ता है, ट्रैवल में क्या करें। बाकी ठंडा पानी तो मेरे पास यार, ठंडा पानी मिल गया। पानी की बॉटलें ना इतनी बर्बाद हो रही है भाई, इतनी बर्बाद हो रही है। अपन ले लेते हैं, बॉटल गर्म हो जाती है फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी बॉटल लेते हैं फिर गर्म हो जाती है फिर छोड़ देते हैं, यही हो रहा है भाई अपने साथ। तो यहाँ से भाई तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे मेरे को लग रहा है, तो 2 घंटे का और ट्रैवल है वो कंप्लीट करना है। क्या हो गया, उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे भाई महादेव के पास, त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर को, उसमें ये 1 ज्योतिर्लिंग आता है। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और आप लोग को ही बताना है कि भाई क्या प्रोसेस है वहाँ का, कैसे आना है क्या है। वैसे तो नासिक के लिए फ्लाइट की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी सब कुछ है, सो कोई भी आना चाहे तो आ सकते हैं। और भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग कवर करना चाहते हैं पूरे, मेरा भी एक सपना है, क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ कर चुका हूँ, बैद्यनाथ धाम जो है देवघर में वो कर चुका हूँ, तो मेरा भी सपना है यार कि 12 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट करूँ मैं आगे चल के। तो देखो भाई, भोले बाबा बुलाएंगे तो हो जाएगा, फिलहाल अभी तो चलते हैं, क्योंकि आज तो भोले बाबा ने बुलाया है लग रहा है। बड़े समय बाद ना खूबसूरत रास्ता आया यार, अभी भी नासिक का अपना त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो 60 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है भाई, लेकिन ना अब तो रास्ता ठीक ठाक, हाईवे तो भाई 4 लेन नेशनल हाईवे है एक्चुअली, बट हाईवे ठीक हो गया है, दैट इज वन। एंड सेकेंड इज कि भाई मुंबई का ट्रैफिक से निकल गया है, मतलब यार इस सिटी का ट्रैफिक ना 100 किलोमीटर तक रहता है यार, त्रस्त कर देता है। देखो 100 किलोमीटर का ट्रैफिक झेल के फिर आ गया है भाई, यहाँ से इंदौर दिखा रहा है 500 किलोमीटर जिसकी तरफ तो बढ़ना है। उसके बाद आप लोग टाइम लैप के मजे लो भाई, तब तक मैं ना पटाख से जल्दी से गाड़ी खींचता हूँ, पहुँचता हूँ मंदिर के, मंदिर बनना हो जाएगा भाई फिर। रास्ते का टाइम लैप्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा यार, क्या मस्त रास्ता था यार। ट्रैफिक हटने के बाद तो मतलब रास्ता अच्छा हो गया था, हाईवे ही था, बट ना व्यू बड़ा प्यारा था यार, क्योंकि नासिक ना थोड़ा हाइट में बसा हुआ है। अब ये आ गए अब हम महादेव की नगरी त्र्यंबकेश्वर, और भाई यहाँ आने के बाद ना मतलब फीलिंग अलग सी आ रही है यार। अभी तो मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं हूँ, टेम्पल के पास पहुँचने वाला हूँ, बट यार मतलब मेरा एक सपना था यार कि मतलब मुझे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने हैं, तो उसमें से एक आज और कंप्लीट होने वाला है, एक और आज एड ऑन होने वाला है। उस पर मैंने केदारनाथ कर लिया है, काशी विश्वनाथ कर लिया है, देवघर कर लिया है, अब इस पर एक और एडिशन होने वाला है भाई। तो
पास खुशी तो होगी यार, घूस बम आ रहे हैं मस्त से एकदम। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गौतम तालाब और तीन चार और टेम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो मतलब टूरिस्ट प्रॉपर आता है और प्रॉपर टूरिस्ट आके फिर उसके बाद यहाँ पे दर्शन करके जाता है। और त्र्यंबकेश्वर जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूँ, बेसिकली ये नासिक से 40 किलोमीटर है। तो नासिक से जो पालघर जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो रास्ता कटता है स्टेट हाईवे है, उस स्टेट हाईवे पे आगे आके आपको एक लेफ्ट होना लेना होता है, जहाँ जाके आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए रास्ता कटता है। तो उधर जाना होता है, यहाँ पे जाना किधर है मेरे को समझ नहीं आ रहा है भैया। मंदिर का रास्ता किधर से? अभी बाहर से है भैया, बोल रहे हैं हम भी ढूंढ रहे हैं, हम भी बाहर से आए यार। GPS तो यार ही बोल रहा था, GPS के हिसाब से चल लेते हैं। ये भाई साहब एक खड़े, इनसे पूछता हूँ भैया मंदिर का रास्ता किधर से। अच्छा आगे ये मंदिर बोल रहे हैं, चलो हाँ आगे दिखा रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, गौतम तालाब, रामेश्वर मंदिर, भुवेश्वर कॉलोनी, भाई इतने सारे प्लेसेस हैं। अब आप देख लो आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो आगे इधर यार एक मस्त सा लेक भी है मस्त से भैया। मंदिर का रास्ता, मंदिर मंदिर का रास्ता आगे गए मत, राइट साइड में वो दिख रहा है लेक। हाँ हाँ अच्छा, पार्किंग है, पार्किंग है आगे, आगे जाके राइट साइड में बोल रहे हैं पार्किंग बोल रहे हैं भाई। चलो चेक करते हैं, इतनी गाड़ियाँ पार्क तो हुई हैं, जाम ना लग जाए बस, फंस जाऊंगा मैं जाम लग गया तो रात भर। सकरी सी गली है, चलो भाई गाड़ी पार्क की जाए फटाक से, यहीं कहीं पार्क करता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई लोग आ गए अपन त्र्यंबकेश्वर की गलियों में, और आपको अभी यहाँ की भी गलियाँ दिखाते हैं यार। कुछ दिन पहले वृंदावन की गलियाँ दिखाई थी, आज त्र्यंबकेश्वर की गलियाँ दिखाते हैं। भोले बाबा ने फाइनली बुला लिया यार हमको। देखो भाई सब लोग ना दर्शन करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से, आगे से राइट लेने को बुलाया है मेरे किसी ने पूछा था, मैं तो ये चौराहा है कोई। अच्छा बड़ा टाउन सा बन गया है पूरा यहाँ पे, और बाबा की नगरी है तो टाइम से टाउन तो क्या भाई, सब कुछ बन जाना है यहाँ पे। तो ये इधर एक गेट, अब यहाँ से फिर आगे पूछना पड़ेगा किसी से किधर जाना है। सब शॉपिंग वॉपिंग भी कर रहे हैं अपनी, ये लो भाई अपने राइट साइड में ना मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है यार, उसी पे जाना है अपने को। भाई मैं ना जिस गेट पे खड़ा था वहाँ से मैंने प्रसाद भी लिया, लेकिन था वो एग्जिट गेट, एंट्री गेट पे। यहाँ तो अच्छा ही होगा यार कि कम से कम ना एग्जिट गेट पे ही चप्पल उप्पल उतार दे, उधर ही मिल जाएंगे। भाई भीड़ देखो, लाइन कैसे लगी हुई है, एकदम तगड़ी लाइन लगी है भाई, सब तरफ से बंद कर रखा है। अब लास्ट में खुला हो वहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ, इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। भोले बाबा दर्शन आसानी से देंगे नहीं तो लाइन तो लगनी पड़ेगा भाई। लग जाते हैं अपन लाइन पे। और ये देखो अंदर रुद्राभिषेक हो रहा है, टीवी पे दिखा रहे हैं मस्त। जय बाबा भोलेनाथ। भीड़ देखो भाई, बस महादेव की भक्ति है जो इतने लोग एक दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, पता नहीं कब दर्शन होंगे कब नहीं होंगे। भाई एक चीज़ अच्छा के बाद देख के अच्छा लगा मुझे ना, मतलब ऊपर पूरा एयर कूल्ड किया हुआ है, तो थोड़ा सा ना वो गर्मी के टाइम में अगर आओगे ना आप तो प्रॉब्लम कम होगी। ये सारी लाइन लगी है भाई, अब मैं भी लाइन पे लगा हूँ, पता नहीं कब नंबर आएगा। हम तो भी लाइन पे लगे, लेकिन देखो बाबा का सिंगार हो गया है, आप भी कर लो दर्शन के लिए, तो कैमरा अलाउड नहीं होगा यहाँ से, तो आपको लाइव दर्शन करा दूँ मैं। जय बाबा।
भोलेनाथ। भोले बाबा के दर्शन करने पूरे लगे 3 घंटे और भैया हमने ना वो 200 रुपये वाली VIP लाइन थी उस पर वैसे मिल भी नहीं रहा था और हम गए भी नहीं, जाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि भाई बाबा के दरबार पे आया तो थोड़ा चलना तो बनता है जब इतनी दूर से चल के आए। तो भाई पूरे 3 घंटे लगे यहाँ दर्शन करने में। अब यहाँ से मैं बाहर निकलूँ क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं तो 9 बजे इन्होंने क्या है मंदिर का गेट बंद कर दिया था और फिर जो लोग अंदर आ गए थे 9 बजे तक उनको फिर सबको दर्शन कराएँ 11 बजे तक। ये देखो भाई त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का, वो इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ना यहाँ पे भगवान शंकर के तीनों रूप मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में दर्शन देते हैं भगवान, उनका श्रृंगार उस तरीके से होता है। तो ये मंदिर जो है वो बैक साइड से है। ओम नमः शिवाय। भाई देखो बाहर से क्या खूबसूरत लग रहा है भोलेनाथ का दरबार। अंदर तो क्या वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी तो मैंने कहा बाहर आके कुछ शॉट्स ले लेता हूँ। मतलब ऐसी जगह पे आके ना भाई मतलब गूज़बम आ जाते हैं पूरे। और भोले बाबा का आशीर्वाद जब मिल गया भाई तो और किस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है। यार मंदिर से बाहर निकलते ही खाने पीने के तो खूब बने लेकिन मैं जो वड़ा पाव वगैरह देख के गया था ना सब हो गया बंद कर दो भाई, रात के 11 बज गए। खाने का बने वड़ा पाव मिल नहीं रहा है यार, बाकी मैंने प्रसाद प्रसाद को सब ले लिया है और आस पड़ोस पे देने के लिए। भाई मस्त अच्छे से दर्शन हुए यार, लेकिन भले रात के 11 बज गए ना लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए यार। तो मतलब कि ना और दूसरी बात रहता है सबसे अच्छी बात क्या यहाँ के टेम्पल में यार, मतलब कुछ जो गर्मी वाली लाइन लगती ना बाकी बिहारी में या मथुरा में वृंदावन में बाकी जगह, यहाँ पे गर्मी 1% भी थी। गर्मी इन द सेंस कि वेदर तो गर्म था बट अंदर एसी वगैरह एयर कूलर वगैरह इतना कुछ लगा रखा था ना कि गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी यार। सो ये एक अच्छी चीज़ यार, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, मस्ट अप्रिशिएट महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर दिस। भाई भीड़ कम हो गई थी इसलिए गाड़ी के पास भी जल्दी आ गए अपन। ये देखो धनो खड़ी अपनी और पास में यहाँ पे एक लेक है। यहाँ कोई कुंड वगैरह तो नहीं यार बट पानी साफ है अच्छा है। अब अपने को हो रहा है लेट भाई, अपने को निकलना है जल्दी क्योंकि 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो भाई अब ज़्यादा लेट नहीं करते यहाँ से, जल्दी से निकलते हैं। हाँ भाई फाइनली गाड़ी स्टार्ट हुई, हाईवे पे आई। 9 किलोमीटर चलना है स्टेट हाईवे पे, उसके बाद अपन फिर से आ जाएंगे नेशनल हाईवे पे NH 848 पे। जो मिलेगा हमको रतलाम तक, रतलाम से हमको मिल जाएगा भाई हमारा ड्रीम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। भाई इधर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे इसलिए मैंने ये रूट चेंज किया थोड़ा सा, क्योंकि जब आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा कंटेंट और लेके चले पहली बात तो। दूसरी बात ये कि अगर भगवान अपने दरबार पे बुला रहे हैं भाई तो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए कभी अपने को, सही बोल रहा हूँ ना। अब भाई अब तो हो रही है थकान यार, 11 बज गए हैं रात के, देखता हूँ 1-2 घंटे गाड़ी चलाऊँगा, सोच रहा हूँ कितना चला पाता हूँ, जहाँ तक चला पाऊँगा चलाऊँगा अदरवाइज फिर सो जाऊँगा यार अकेले हूँ क्योंकि आज दादा भी नहीं, दादा होते तो उदयपुर टाइप से सुबह 5 बजे तक खींच दिए होते अपन, कहीं अच्छी जगह पहुँच गए होते यार। लो जी भाई नासिक सिटी क्रॉस करके आगरा मुंबई हाईवे पे भी आ गए भाई। इस पे चलना है अपने को अभी अराउंड 210 किलोमीटर के आसपास, 210 किलोमीटर के बाद ये कहाँ कनेक्ट करता है पता नहीं। हाईवे तो ठीक है अभी, ट्रैफिक भी कम है रश भी कम है, देखो जब तक निकल जाए निकल जाए यार। वेट तो नहीं हो रहा यार, अब चाहिए तो सबसे पहले वह एक्सप्रेस वे, अब बहुत जल्दी अब देखता हूँ कितना खींच पाता हूँ गाड़ी, उस हिसाब से प्लान करते हैं। फिलहाल तो यार भूख भी लग रही, कहीं रुक के खाऊंगा भी जरूर, थोड़ा सा चल लेता हूँ फिर कहीं रुक के खाऊंगा यार। लग रहा है वड़ा पाव के चक्कर में रहे ना तो खाना भी नहीं मिलने वाला है, अभी 12:15 हो गए हैं। तो एक ये होटल रेणुका करके मिला यही मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे पे,
मुंबई आगरा हाईवे पे, तो यहीं पे देख रहा हूँ प्योर वेज मिल गया है, बस कुछ दे दे भाई खाने को यार, खा ही लेता हूँ सोच रहा हूँ पहले मैं। ये देखो भाई ऐसा ही रेस्टोरेंट, अरे ये तो बड़ा प्यारा बनाया हुआ है यार, मस्त बैठने की व्यवस्था मस्त है, आपके बैठ ही जाता हूँ, इसी बैठते हैं आप। अरे ये ग्रीन पीस मसाला, ग्रीन पीस मसाला हो जाएगा, एक काम करे ग्रीन पीस मसाला कर दे, सवा रोटी होगा, सवा रोटी, रोटी सवा रोटी होगा, तवा चपाती ना, दो तवा चपाती और एक ग्रीन पीस मसाला कर दे, ठीक है। तो खाना तो आ गया ग्रीन पीस मसाला, लग तो मस्त रहा, खा के देखते हैं यार कैसा है। खीरा थोड़ा कड़वा था, मेरा रहने दो, वो रोटी भाई सब बटर ला के नहीं लाया, तो वेट कर रहा हूँ बटर ला के ले आया फिर खाता हूँ। भैया जितना खाना देख के अच्छा लग रहा था उतना था नहीं हाईवे पे ना, खासकर महाराष्ट्र में, मतलब राजस्थान में जितना मस्त खाना मिल रहा था ना यार हाईवे पे, इधर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, पूरा अंधेरा अंधेरा बाहर, कुछ रोशनी वोशनी भी लगा के नहीं रखा, बहुत ठंड लग रही है बाहर दबा के एकदम, मतलब कि ना हवाएं चल रही है, नासिक बॉर्डर सब बॉयल हो रहा है, इधर नासिक तो हमको ठंड लगा रहा है यार, स्वेटर निकालना पड़ेगा लग रहा है, स्वेटर हम लाए ही नहीं है, गाड़ी में बैठते पहले तो भाई बाहर ना एकदम ठंड से ना ऐसी फट रही थी ना मेरी, एक बार लगा यार यहीं पे कंबल वंबल ओढ़ के सो जाऊं यार, गाड़ी के अंदर घुसने में, मतलब यहाँ पर कहीं कहीं गर्मी से फट रही थी अभी तक साला, अब देखो ठंड से फट रही है यार यहाँ पे, मतलब वेदर कैसे बदल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। अब भाई खाना वाना खा लिया, नॉन स्टॉप जब तक नींद ना आए तब तक चलाता हूँ, मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के आसपास तो चला ही लूँगा आराम से, 250 के आसपास, तो अभी दिल्ली बचा है मुझे दिखा रहा है 1150, तो अगर मैं 200 चला लेता हूँ आज तो मेरे को 950, तो 850 तक अगर पहुँच गया मैं तो मेरे ख्याल से कल के लिए मेरे लिए विन विन सिचुएशन होगी यार, तो उस हिसाब से ट्राई करता हूँ। अकेले क्या है ना बोर लग रहा है यार, मेन दिक्कत ये चलाने को तो पूरा ही चला दूँ लेकिन बोर लग रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा नहीं है तो भाई। जैसी नींद आई ना वैसी मेरे को ये दिख गया होटल आराम, लगता है ही आराम करना पड़ेगा आज, चल के देखता है यार रूम कैसा, सही होगा तो यहीं सो जाऊंगा, गाड़ी तो बंद कर दी है। ये देखो भाई भाई साहब रूम दिखा रहे हैं, पहला रूम को देखा रहा उतना मजा नहीं आया, दूसरा देखता हूँ भाई, तगड़ी वाली नींद आ रही है, अब तो सोना पड़ेगा यार भाई साहब। रूम ना ठीक तो रूम तो अच्छा था, एसी वसी सब है, लेकिन बेडशीट थोड़ी गंदी लग रही थी, मैंने कहा बेडशीट चेंज कर दोगे, अदरवाइज सोना तो पड़ेगा ही, तो मैं देख के आता हूँ है कि नहीं है, तो भाई मैं तो यहीं चेक इन कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए हो चाहे ना हो, और ये ब्लॉग करो यहीं ख़त्म यार, बहुत थक गए हैं, अब अगला ब्लॉग कल चालू करेंगे दिल्ली तक के लिए भाई, तो प्लीज़ बने रहो साथ में भाई, इतना लंबा रोड ट्रिप कर रहे हैं देहरादून से, कर दो चलो भैया मिल गया कम से कम, मैं वही बोलता हूँ भाई इतना लंबा रोड ट्रिप कर रहे हैं यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पिछले एपिसोड्स नहीं देखो तो वो भी देख के आ जाओ भाई, सारे एपिसोड डाले अपन ने, कितनी लंबी जर्नी की है, पूरा राजस्थान एक्सप्लोर किया है, पूरा गुजरात एक्सप्लोर किया है, महाराष्ट्र कर रहे हैं अभी, कल एमपी में घुसेंगे, फिर राजस्थान में जाएंगे, कोटा होते हुए दिल्ली जाएंगे, तो यार इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं यार, तो ये तो बनता है। और आज वाले ब्लॉग में तो भाई खासकर लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है आज वाले ब्लॉग में, क्योंकि आज अपन ने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन जो कराए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन भी दिया आप लोग को यार, तो बड़े रहो यार साथ में फिर इस जर्नी में, तब तक के लिए मैं भी रेस्ट करता हूँ भाई, गुड नाइट।